बड़ा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र की डगर सबसे ज्यादा कठिन है पूरे देश में क्या देखिए एक नरेटिव तैयार किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की डगर कठिन है जी और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि एक लिफ्टिस्ट टाइप का जो विचार है ये लोग मिलकर एक नरेटिव तैयार करते हैं महाराष्ट्र की डगर ये भारत की डगर से कोई अलग नहीं है भारत भी मोदी जी के साथ है महाराष्ट्र भी मोदी जी के साथ है जी और हम लोग पिछला रिकॉर्ड हमारा तोड़ेंगे उससे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगे लेकिन एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो इस बार अलायंसेज हैं, वो एक तरह से बड़े डिफरेंट अलायंसेज हैं, शिवसेना दो भागों में बटी हुई है एनसीपी दो भागों में बटी हुई है एक तरह की खिचड़ी है तो ये जो खिचड़ी पक रही है कहीं ये सीटें भी खिचड़ी की तरह ना आए इस बार <laughs> देखिए क्या होता है कि आपकी बात एक प्रकार से सही है कि उधर तीन पार्टियां है हम भी तीन पार्टियां और साथ में और भी पार्टियां अभी राज ठाकरे भी हमारे साथ हैं तो ऐसी थोड़ी बटी हुई हमको पॉलिटिक्स दिखती है लेकिन मूल रूप से दो खेमे यहां तैयार हो चुके जी एक प्रो मोदी जो मोदी जी को मानने वाला है और एक जो मोदी जी को नहीं चाहता है एंटी मोदी तो मुझे लगता है कि कोई खिचड़ी नहीं पकने वाली प्रो मोदी सेंटीमेंट है लोग मोदी जी के साथ जाएंगे